जैसे न्यूमेरिकल अगर आएगा करंट डेंसिटी पे तो कैसा आएगा, समझो न्यूमेरिकल ऐसा आएगा, सपोज ये आपके पास एक वायर है, इसमें टोटल करंट आए जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि करंट डेंसिटी की वैल्यू 4x² है, और 4x² का मतलब कि ये एक्सिस है, एक्सिस से अगर आप एक्स डिस्टेंस दूर आते हो तो जे बढ़ेगा, और दूर आते हो और बढ़ेगा, और दूर आते हो और बढ़ेगा। तो अगर x 0 है तो एक्सिस पे हो तो x 0 पे करंट डेंसिटी 0, तो एक्सिस पे कोई करंट नहीं होगा, कोई करंट नहीं जाएगा, कोई वायर में करंट नहीं जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा राइट आओगे तो करंट डेंसिटी बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, तो करंट बढ़ता जाएगा। आपको बताना है टोटल करंट कितना है वायर में। अब प्रॉब्लम क्या है, ये सेंट्रिकल वायर को काटोगे क्रॉस सेक्शन डिस्क की तरह दिखेगा, और डिस्क कैसे बनी होती है, बहुत सारे रिंग से। कोई भी एक आर्बिट्ररी रिंग ले लो, ये रिंग है, इस रिंग का रेडियस जो है वो एक्स ले लो, तो इस रिंग के अंदर से इसकी थिकनेस डी एक्स है, उस डी एक्स थिकनेस में से छोटा सा करंट बाहर आएगा डी आई। हम क्या करने वाले हैं, हम सभी रिंग्स का डी आई डी आई डी आई मिला के टोटल करंट इंटीग्रेट करके आई निकाल देंगे। तो कोई भी एक रिंग लो, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, इसका सर्कमफ्रेंस इनटू थिकनेस, सर्कमफ्रेंस है 2πx और थिकनेस क्या है डी एक्स। तो करंट डेंसिटी हमने क्या किया था, डी आई क्या था, जे डॉट डी एस, करंट भी ऊपर है, ये जे करंट डेंसिटी भी ऊपर है, क्योंकि करंट डेंसिटी की डायरेक्शन करंट के साथ होती है, और एरिया वेक्टर भी करंट के साथ होता है, तो इनके बीच में एंगल क्या आएगा जीरो। एरिया कितना है 2πx इंटू डी एक्स, और करंट डेंसिटी कितनी गिवन है 4x². तो आप ये स्मॉल करंट रिंग का करंट है, टोटल क्रॉस सेक्शन में से टोटल करंट निकालना है, तो जीरो से कैपिटल आर तक क्या करेंगे इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करेंगे आपके पास आंसर आएगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं आएगा, एनसीईआरटी में तो थ्योरी थ्योरी है और बहुत ही बेसिक फॉर्मूला बेस्ड आएगा, आएगा तो कॉम्पिटिशन में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है यहाँ तक।